गुड मॉर्निंग 11th क्लास क्लास हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टैटिस्टिक्स का स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने स्टैट्स के बारे में पढ़ा था, इसके प्लूरल नाउन और सिंगुलर जो नाउन है इसके बारे में रीड किया, फीचर्स रीड किए थे। आज हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स टूल्स क्या हैं। ई स्टेज ऑफ द स्टैटिस्टिकल स्टडी इन्वॉल्व द यूज ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड टेक्निक्स और मेथड्स। These techniques और methods are called statistics tools। कि ऐसे इन्होंने ये बोला है इसमें कि जो भी tools हैं जिससे हम क्या measures करते हैं, कुछ भी अपना निकालते हैं, ऐसे कोई method है, उन्हीं को क्या बोला जाता है, stats tools बोला जाता है। ऐसी techniques जिससे हम stats का कुछ भी निकालते हैं, like कोई table बनाते हैं या percentage वगैरह निकालते हैं, उनको क्या बोला जाता है, stat के tools बोला जाता है। Thus there are statistical tools used for the collection of data like the sample and census techniques। Means की दो technique के नाम बताए हैं, first है sample technique और second है census technique। ये ऐसी technique का name है जिससे हम क्या करते हैं, अपने data को collect करते हैं। उसके बाद array of data and tally bars are the standard technique। मतलब standard technique का क्या name है, array of data और tally bar जो हम बनाते हैं, ये किस लिए यूज़ होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, मींस कि डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। उसके बाद टेबल बनाए जाते हैं, ग्राफ और डायग्राम्स बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एवरेज परसेंटेज आर द कॉमनली यूज टेक्निक्स फॉर एनालिसिस ऑफ डाटा। डाटा को एनालिसिस करने के लिए क्या निकाली जाती है, परसेंट निकाले जाते हैं, एवरेज निकाली जाती है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन करने के लिए क्या किया जाता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा इज़ ऑफन डन इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज परसेंटेज और कोफिशियंट और रिग्रेशन। मतलब कि इनका कोरिलेशन किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, उसके बाद जो फाइनल कंक्लूजन है वो निकाले जाते हैं। इसी जो पैराग्राफ ये जो मैंने अभी आपको रीड करवाया, इसी का एक टूल में बना के बताया गया कि कलेक्शन ऑफ डाटा के लिए क्या टेक्निक है, क्या टूल्स हैं, सेंसस और सैम्पल टेक्निक। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा के लिए एरा ऑफ डाटा और टैली बार बनाए जाते हैं, उसको प्रेजेंट करने के लिए डाटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं, टेबल बना के, ग्राफ बना के या डायग्राम बना के। उसके बाद एनालिसिस करने के लिए क्या निकाला जाता है, उसके परसेंट एवरेज या कोरिलेशन रिग्रेशन निकाला जाता है। इसके बाद इन सबको कंपैरिजन किया जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज एवरेज एंड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। उसके बाद स्कोप देखते हैं, तीन इसके स्कोप हमें बताए गए हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ स्टैट्स, सेकेंड है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो फर्स्ट है नेचर ऑफ स्टैट, देखते हैं क्या है इसमें नेचर के, हम ये रीड कर नेचर के अंदर हम ये रीड करेंगे कि स्टैट है जो इसका नेचर कैसा है, आर्ट है या साइंस है। तो इसमें बताया गया स्टैट इज बोथ एज